हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। मेरा नाम है विकास और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिवाइस इज नॉट सर्टिफाइड। अगर प्ले प्रोटेक्ट सर्टिफिकेशन में यानी कि प्ले स्टोर के अंदर आपके डिवाइस पे ये एरर आपको आ रहा है तो इसे आप कैसे फिक्स कर सकते हैं और इसके चलते एप्लीकेशन डाउनलोड ना कर पाना जैसी जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसका सोल्यूशन आप लोग कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको भी इस टॉपिक में इंटरेस्ट है, आप ढूंढते हुए कहीं से आ गए हो, तो वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना और जाते जाते आपकी इस प्रॉब्लम को फिक्स करवा के ही जाऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और से आज की वीडियो शुरू करते हैं। अब ये तो हो गई हम लोगों की प्रॉब्लम जो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं, लेकिन अब इसका सलूशन कैसे करना है। तो सलूशन के लिए आपको सबसे पहले अपने फोन के अंदर मैजिस्क को इंस्टॉल करना होगा। और अगर आप लोगों को नहीं पता मैजिस्क कैसे इंस्टॉल करना है तो चैनल पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वहां से जाकर के आप देख सकते हो और मैजिस्क इंस्टॉल कर सकते हो। देन इसके बाद में आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करना। और एक बार जब मैजिस्क इंस्टॉल हो जाए तो मैजिस्क को सिंपली ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहां आपको एड ऑन वाले पार्ट पे जाना है और इसमें जाने के बाद में यहां सिंपली आप प्रॉप्स सर्च कर लोगे तो प्रॉप्स के नाम से आपको दिख जाएगा मैजिस्क हाई प्रॉप्स कॉन्फ़िगरेशन और इसको सिंपली आपको डाउनलोड कर लेना है। यहां आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, डाउनलोड एंड इंस्टॉल। तो हमें डाउनलोड करके भी इंस्टॉल करना है तो डायरेक्टली इंस्टॉल ही कर लेते हैं। तो कुछ ही सेकंड में आपका मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाएगा और आपको रिबूट का बटन दिखेगा। तो रिबूट आप चाहो तो कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूंगा इससे पहले आप लोगों को क्या करना है, प्ले स्टोर में वापस से जाना है। यहां जाकर के आपको टर्मक्स नाम की एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है जो कि यहाँ पे आपको दिख जाएगी। तो फाइनली हमने टर्मक्स एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर लिया है और इसके बाद में अब हमें अपने फ़ोन को रिबूट करना होगा। आप जहाँ से चाहो जैसे चाहो रिबूट कर सकते हो। मैं फिलहाल मैजिस्क वाले रिबूट बटन का इस्तेमाल करके फ़ोन को रिबूट करूंगा और सक्सेसफुली हमारा फ़ोन रिबूट हो चुका है। तो चलो इसको सर्टिफाइड करते हैं। अब इसके लिए आपको गूगल ड्राइव की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। आप लोग सोचोगे गूगल ड्राइव की क्यों ज़रूरत पड़ेगी, तो हाँ इसका मैं दरअसल पर्सनली इस्तेमाल करता हूँ। तो गूगल ड्राइव में आप लोग चले जाना, बैकअप्स में जाना और बैकअप्स में जाने के बाद में आपका फ़ोन देख लेना कि अभी कौन सा बैकअप ले रहा है। तो Google Pixel 6 Pro, तो यानी कि हमें Google Pixel 6 Pro का सिग्नेचर अपने डिवाइस पे डालना होगा तभी हमारा फोन वेरीफाई हो पाएगा। तो ड्राइव का बस इतना काम था, आपके फोन पे कंपैटिबल सिग्नेचर किस फोन का रहेगा वो आपको दिखा दे। अब इसके बाद में वापस आना है आपको टर्मक्स के अंदर और जैसे ही टर्मक्स ओपन हो जाएगा यहां आपको टाइप करना है SU, इसके बाद में आपको एंटर कर देना है। ये रूट की परमिशन मांगेगा तो सिंपली आपको ग्रांट कर देनी है। इसके बाद में आपको प्रॉप्स लिखना है, इसके बाद में फिर से एंटर कर देना है। तो कुछ ही देर में आपको ये स्क्रीन देखने को मिल जाएगी। अब इसके बाद में आपको सिंपली करना क्या है, पहले वाला ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा होगा एडिट डिवाइस फिंगरप्रिंट, तो आपको यहाँ पे 1 टाइप करना है, एंटर कर देना है। अब इसके बाद में आपको दिख रहा होगा पिक अ सर्टिफाइड फिंगरप्रिंट, तो ये F पे आएगा तो F हमको टाइप करना है, फिर से एंटर कर देना है। अब इसके बाद में आपको आपके सामने बहुत सारे मोबाइल फोन्स के नाम दिखेंगे, मतलब कंपनियों के नाम दिखेंगे। तो यहाँ आपको आपके फ़ोन की कंपनी चूज़ नहीं करनी है बल्कि वो कंपनी चूज़ करनी है जो गूगल ड्राइव के अंदर शो हो रही थी। तो वहाँ हम लोगों को दिख रहा था गूगल, तो अभी गूगल की बात करते हैं तो गूगल आ रहा है 7 नंबर पे, तो हमारा डिवाइस टेक्निकली गूगल है, तो यहाँ पे हमने एंटर कर दिया। अब इसके बाद में यहाँ आपको काफ़ी सारे फ़ोन के नाम देखने मिल रहे होंगे जिसमें से गूगल का वो डिवाइस सेलेक्ट करना है जो ड्राइव में आया था, तो वो था गूगल पिक्सल 6 प्रो, तो वो आ रहा है 29 नंबर पे। अब इसके बाद में हमें फिर से एंटर कर देना है 29 को सिलेक्ट करने के बाद में। मेक श्योर दैट इट इज़ करेक्ट बिफोर कंटिन्यूइंग, डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो हाँ हमने 29 सिलेक्ट किया था तो हमको वाई कर देना है, वाई 4 यस हो जाएगा और बस। इसके बाद में आपका जो भी प्रोसेस होगा ये खुद से कर लेगा। और अभी हम लोगों से पूछ रहा है कि क्या आप रिबूट करना चाहते हो अपने फ़ोन को, तो सिंपल सी बात है हमें अपने फ़ोन को रिबूट करना है। और जब एक बार आप लोगों का डिवाइस रिबूट हो जाए तो इसके बाद में आपको प्ले स्टोर को सिलेक्ट करना है, इसके ऐप इन्फॉर्मेशन में जाना है और यहाँ जाने के बाद में प्ले स्टोर का जो भी डेटा होता है वो आपको क्लियर कर देना है। तो यहाँ से मैं क्लियर स्टोरेज करने वाला हूँ। ये चीज़ अगर आप चाहो तो पूरे प्रोसेस को करने से पहले भी कर सकते हो, बाद में कर सकते हो, आपकी मर्जी, जैसा आपको ठीक लगे। अब अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले स्टेप में हमको वापस से जाना है मैजिस्क में और मैजिस्क को ओपन कर लेंगे। इसके बाद में एक बार देख लेते हैं हमारा जो मॉड्यूल था वो सक्सेसफुली यहाँ पे इंस्टॉल है। और अभी हमको होम स्क्रीन पे जाना है, सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मैजिस्क हाइड, तो सिंपली इसको इनेबल कर देना है। और अब वापस से अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के बाद में अब वापस जाएंगे अपने फोन के सेटिंग्स में और सेटिंग्स में जाने के बाद में नीचे जैसे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ आप देख सकते हो डिवाइस प्रोटेक्ट सर्टिफिकेशन में डिवाइस इज सर्टिफाइड लिखा हुआ आने लगा है। तो इस मेथड का इस्तेमाल करके आप अपने मोस्टली डिवाइसेस को सर्टिफाइड बना सकते हो। तो बस
मैंने मेरा काम कर दिया, अब बारी है आपकी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, आप कैसे और तूफानी दोस्त हैं उनके साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करना। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि इन फ्यूचर जब भी मैं ऐसे वीडियोस बनाऊं आप लोग उन्हें ऐसे ही देख पाओ, एंजॉय कर पाओ, कुछ नया सीख पाओ। मिलता हूं आपसे आने वाले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।